दोस्तों, आज अपना जो ड्राफ्टिंग चल रहा है उसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम होल को डायमेंशन देना सीखेंगे आपको कि होल में डायमेंशन कैसे अपलोड करते हैं, डालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग के ऊपर आ गए अपन। इधर से हम ओके करेंगे। ओके, यूज पे क्लिक करना है। विंडो पार्ट पास्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इसका फ्रंट व्यू है। तो हमने फ्रंट व्यू में दिखा दिया आपको। ठीक है, अब हम इसका प्रोजेक्शन व्यू देखेंगे, तो कैसा भी देख लो। ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन व्यू हो गया। इसका आइसोमेट्रिक व्यू, क्योंकि जो जो व्यू लगते हैं वो इम्पोर्टेंट, वो लेके आ जाओ। आइसोमेट्रिक व्यू में इतना कुछ नहीं है, बस आइसोमेट्रिक व्यू ऐसे नॉर्मल सा जो आइसोमेट्रिक है, ऐसे अपने जो आइसोमेट्रिक दिखा रहा है ऐसे आइसोमेट्रिक व्यू दिखाता है। ओके, तो इसे लेके आ जाओ इसको। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू हो गया अपना। पहले हम एक एक व्यू को चेक करते हैं पूरा ओवरऑल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि ये सिर्फ हिडन होगा, डिलीट नहीं होगा, तो गलती से भी इसको डिलीट करने का कोई ना ले चांस। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस पे क्लिक करते हैं। पहले हम ये डालेंगे कि इसका लेंथ, टोटल लेंथ कितना है। ठीक है, तो ये आया 60 और ये 20, इसमें कितना है 100 by 8 by 60। तो ये हमने उसका ओनली ये दिया है कि ये इतने इतने का है। अब सेकंड पॉइंट कि हमें दिखाना है कि ये जो होल है ये सब एक ही लाइन के अंदर है। ठीक है, कि जो ये होल है वो सब क्या एक ही लाइन में। तो पहले हम देखो, देखो इधर जो अपना पास है एक्सिस का, इस पर क्लिक करेंगे होल पे, इस होल को पकड़ेंगे, इस बड़े वाले को क्लिक कर देंगे। ओके, तो एक लाइन में दिख गया ना, ऐसे ही ये एक लाइन में, तो ये समझ गया ऐसे ही ये अपने पास में एक लाइन में, तो यहाँ पे ऐसे ही अपने पास में एक लाइन में। तो ये देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे ऑपरेटर को चलता है कि हाँ चलो दोनों का इन डिस्टेंस सेम है। ओके, तो उस हिसाब से ये दे देते हैं। अब जैसे इसका देना, तो इसका भी दे दो। ये इसका दे दिया हमने। इस बटन को इसको उठा के इधर लेके आ दो। ये काम हो गया अपना। अब पहले हम इसमें डायमेंशन अपलोड करते हैं। तो एक साइड से लेंगे अपन। ठीक है, ये मान लो कि कोई वेब इधर से लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहले हम इन सेंटर का इसका ये दे देंगे 15 का, इसका ये दे देंगे इतने का 10 का, और इन दोनों होल का 20 का दे देंगे कि 17 का दोनों होल का है। ठीक है, इन दोनों होल के 20 का दे देंगे 40 का बीच है। ओके, इसी तरह हम इनका दे देंगे कि भाई ये 10 का है, ये अपने पास 40 का है, हाफ डायमीटर का भी हाफ ले लेता है। तो इसका भी आप देखो, डबल ही से सोचा को मत किया, ये गलत हो गया अपना। ये आ गया अपने पास में। अब अपने पास दो ऑप्शन है, अपने पास दो ऑप्शन में क्या है कि इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं। इसको देखो ऐसे डाल सकते हैं,
इसका डायमीटर कितना है, ऐसा डायमीटर लीजिए पहले, कितनी क्वांटिटी है अपने पास में। तो चार क्वांटिटी है तो हम ऐसे चार लिख सकते हैं, हमारा डायमीटर ऐसा सिंपल चीज ही है। ठीक है, कितने का था अपने पास में, 5.5 का, कितना ये थ्रू है। ठीक है, थ्रू मतलब पूरा होल है, थ्रू हो गया। ठीक है, फिर स्पेस। अब हम काउंटर सिंक, ये अपने पास क्या है काउंटर सिंक, तो इसका सिंबल्स क्या होता है, तो काउंटर सिंक का सिंबल होता है अपने पास में ये, तो काउंटर सिंक का सिंबल्स लगाएंगे। कितने का डायमीटर है, 19 डिग्री डायमीटर डालेंगे। कितना डायमीटर लिया था हमने, याद है क्या आपको, 13.5 का ऐसा कुछ डायमीटर, 13 का डायमीटर था, माला 13 का डायमीटर अपने पास। ठीक है, और 19 डिग्री है, तो इसको ऐसे भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर काउंटर सिंक में 90 डिग्री डायमीटर ऑफ 13। ओके, ये दिखाने, और कितनी क्वांटिटी है वो दिखाना है इसमें। तो अपने पास कितने, चार क्वांटिटी है, तो फोर सॉरी डेज, फोर एन ओ एच के फोर नोज है अपने पास में। यह डेज दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या है, थोड़ा इसमें स्पेस दे दूँ। ओके, अब जो ये फोर नोज दिखा है इसको आप नीचे भी शो कर सकते हो, देखो ऐसे, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, अगर स्पेस ना हो तो नीचे शो कर सकते हो आप इसको। तो ये अपने ऊपर रहता है कि भाई हाँ अपने को नीचे करना है कैसे करना है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर इसको आप इधर से चेंज भी कर सकते हो। इसको ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं क्योंकि काउंटर सिंक का सिंबल ही है। ठीक है, अगर काउंटर बोर होता तो इसका सिंबल कैसे होता वही मैं दिखाता हूँ आपको। जब तक अपने पास कमांड एक्टिवेट नहीं होता तब तक उनकी कुछ नहीं कर सकते। देखो एक्टिवेट करते ही ये देखो, ये है काउंटर बोर का सिंबल, ये रहा, ये काउंटर बोर का है। इसमें डेप्थ डालना पड़ता है अपने को, कितने का डेप्थ डालना है। ठीक है, तो हम इसमें इससे बड़ा चीज़ करते हैं कि अपने को पता है कि भाई क्या डालेंगे। तो इधर रेट इस पिंचो, इसको क्लिक करके इसको लेके आओ। ठीक है, ऐसे इसको रेडिस लो, उसको नीचे खींचो। ठीक है, इस 100 को इधर से कट मारो क्योंकि अपने इधर लगता है उधर एकदम से डालो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अब इसमें अपने को सॉरी इसमें अपने को ये चले गए इस तक का 8 का डिप डालना है। अब अपने को चार क्वांटिटी चाहिए, तो क्लिक प्रॉपर्टीज डायमेंशन टेक्स और 4 और फिर डाल दो डेज। ओके, तो चार क्वांटिटी को डाल, समझ देगा। इसमें प्रॉपर्टीज क्लिक 4 डेज इन इंटर, तो चार चार क्वांटिटी समझ लेगा वो, तो ये चार चार बना देगा। ठीक है, तो इसको भी अपने को समझना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि कोई भी ऑपरेटर 70 का नहीं मार पाएगा, तो इसके अंदर अपने को टॉलरेंस देना पड़ेगा। क्लिक दो टॉलरेंस, इधर से टॉलरेंस सेलेक्ट करो, इधर से 0.1 एंड -1 फिर अप्लाई कर दो। ओके, ऐसे क्लिक प्रॉपर्टीज टॉलरेंस, तो इनमें जो दो का गैप होता है ना उनमें टॉलरेंस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये प्रोडक्ट जिसके ऊपर बैठ रहा है, जिसके ऊपर ये अटैच होगा, जिस पर इसकी असेंबली होगी, उसमें भी सेम टॉलरेंस लगेगा। इसे काउंटर सिंक में तो ऐसे कर दो, इस पर टॉलरेंस नहीं लगेगा, इस पर टॉलरेंस लगेगा। तो कितना किस पे क्या बैठ रहा है वो चीज़ अपने पर डिपेंड करता है। जरूरी सब पे एक ही लगाओ, कित
वो असेंबली किस पे क्या हो रहा है, तो वो चीज़ अपने को देखना जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आया। आइसोमेट्री में क्लिक करो, प्रोडक्ट पे क्लिक करो, यूज पे क्लिक करो, ये हिडन लाइन हटा दो, अप्लाई कर दो इसको, समझ दिखेगा एकदम। 3D कलर पे क्लिक करो, नीचे आओ, स्टार पे क्लिक करो, इधर शेडेड विथ एजेस करो और इसको क्लोज करो, इसको ओके करो या अप्लाई करो। ऐसे PDF फॉर्म में अच्छा लगता है, या असेंबली में अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज आपको होल का, हाँ अगर मान लो किसी होल में अपने को थ्रेड डालना है तो इसी में सीख लेते हैं, नया वीडियो क्यों बनाएंगे, तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, जैसे कि इस होल पे क्लिक करो तो ये थ्रेड दिखा देगा आपको, देखो आयरन थ्रेड, इस पर क्लिक करो तो ये इसके दिखा देगा। दिखा देगा थ्रेड, देखो ये थ्रेड आ गई इसके बाहर की, तो ये इसका अंदर थ्रेड है, ये बाहर थ्रेड है, तो देखना एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड, ये भी चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम लेक्चर करेंगे एक दिन। इसे एक होल का देना अपने को एक्सिस, तो इसे एक होल का भी दे सकते हैं अपन, होल का भी आया लेकिन वो सही नहीं आया है। ठीक है, अच्छा ये होल का इस हिसाब से, एक्सिस के हिसाब से लेना, सेंटर लेना है या फिर लेना। ठीक है, सेंटर लाइन आपको मैंने उस दिन बताया था कि एक्सिस सेंटर दोनों का बीच लाइन हो गया, तो अपने एक्सिस का हाथ कमांड गया है, कंप्लीट हुआ। अब एक टॉलरेंस सिखाऊंगा आपको, टॉलरेंस कैसे देते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, या फिर देखो एक चीज़, देखो आज आपको एक चीज़ इसका यूज करना सिखाता हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट पैरामीटर का। देखो जैसे कि ये सेलेक्ट किया, इसको मैंने 5 का कर दिया, ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये 5 का हो गया ना, इसके अकॉर्डिंग ये वापस हो गया। हो गया अपने आप, ब्रश पे क्लिक करो, 10 पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, तो वो उसका ले लेगा लेन, समझ में आया ना। जैसे मैंने ब्रश पे क्लिक किया, ये किसकी कॉपी ले रहा था, इस पे क्लिक किया, किसको करना आपको, इसको करना है, सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर देते, ऑटोमेटिक ले जाता है, तो ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं करेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी आपको सीखेंगे। आज हमने एनोटेशन का भी सीखा है, ये भी सीख लेते हैं ना, एनोटेशन भी टेक्स्ट के डालते हैं, तो जैसे कोई भी अपने को टेक्स्ट डालना है, इधर क्लिक किया, मटेरियल कौन सा चाहिए अपने को, तो MSMATL मेटल SMS, एंटर कर दिया, इसको छोटा बड़ा जो भी करना है इधर से सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कीजिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बहुत ही बोलो, बहुत ही इजीली सिखाऊंगा और सबको प्रोजेक्ट दूंगा मैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। चलो, थैंक यू।